हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन ऑफ वेब फॉर्म विच विल बी डन विद द हेल्प ऑफ जेक्वेरी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? जैसे कि मान लो हमारी साइट, आप कोई साइट बना रहे हो और इस साइट को आपको मल्टीपल लैंग्वेज में शो करानी है, ठीक है? तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज में आप कुछ भी कर सकते हो, इंग्लिश, जैसे कि जो स्टैंडर्ड हमारा लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको, जिस लैंग्वेज में आपको साइट बनानी है वो लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट ये ट्रांसलेशन फॉर्म है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में है, ठीक है? हम इसे क्या करते हैं, हिंदी में सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है वो किस में जाती हैं, हिंदी में, ठीक है, हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी में कन्वर्ट नहीं है वो आप सेम कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कोड शो करूँगा, उसकी हेल्प से आप इसे एक कन्वर्ट कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग लैंग्वेज में, जिसमें रिक्वायर्ड लैंग्वेज में जिसमें आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसका डेवलप हमने कैसे किया, इम्प्लीमेंटेशन कोड देखते हैं इसका हम। तो ये है हमारे पास HTML, ठीक है, HTML हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये यहाँ पे है सेलेक्ट फॉर्म, जहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड दिया है नेम, बाकी के इनपुट फील्ड यहाँ पे पूरे फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमने एक JS का प्लगइन लगाया है यहाँ पे, ठीक है, translation.js। तो इसमें क्या है, हमने जैसे ही सेलेक्ट किया पहला हिंदी, ठीक है, HN, ठीक है, वहाँ पे हमने नाम दिया है HN। जैसे कि आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू HN है, और इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या है, ENG है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, अगर HN है तो हम क्या करते हैं, जितने भी लेबल के नाम हैं या जो भी हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। HTML हैज नेम लेबल, यहाँ पे हमने ID की हेल्प से हमने क्या किया है, नाम चेंज किया है। तो नेम लेबल ID कहाँ है, इसको हम सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नेम लेबल है, ठीक है, इसकी हमने ID उठाई और इसके HTML हमने क्या प्रिंट करा दिया, जो इसका हिंदी वर्जन का नेम है, ठीक है, हिंदी में जो ट्रांसलेटेड नेम है, नाम जिसे हम कह रहे हैं, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। बाकी प्लेस होल्डर भी अगर आप चेंज कराना चाहो तो ऐसे आप प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेम क्या हो जा रहा है, जो एच जो लेबल्स हैं उनका नाम और जो प्लेस होल्डर्स हैं उनका नाम हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल सा इतना सा कोड है। आपको लैंग्वेज के कन्वर्ट पर अगर आपको जेक्वेरी की हेल्प से फॉर्म के लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये काम कर सकते हो कि किसी इवेंट पे आप इसे ट्रिगर करा सकते हो कि या तो सेलेक्ट करे या फिर कुछ कोई URL आपको हिट करे, उसके उसकी हेल्प से आप इसे क्या कर सकते हो, लैंग्वेज के चेंज करा सकते हो। तो सिंपल सा एक कोड है जिसकी हेल्प से आप अपने फॉर्म के कंटेंट को दूसरे लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ये आपका HTML है, मैं पूरा यहाँ पर शो करा दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल आपको फॉर्म बनाना है और उसके लेबल्स, प्लेस होल्डर्स, बाकी आप फॉर्म का हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, वो सब चीज़ें आप जेक्वेरी की हेल्प से क्या कर सकते हो, लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेक्वेरी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मैं एक बार और डेमो करा के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ लैंग्वेज चूज करोगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंटेंट जो है फॉर्म का जो लैंग्वेज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।